ओके क्लास 8 टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 21.2 एंड दिस इज आवर पार्ट 3 वीडियो फ्रॉम पेरीमीटर चैप्टर. ओके बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर वी लर्न सम फॉर्मूलास एंड दिस एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन द रेक्टेंगल्स. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ओके राइट एंगल ट्राइंगल दैट मीन्स दिस लाइक बिकॉज इन राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल कंटेन 90 डिग्री. ओके सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कंप्लीट. ओके सेकेंड फॉर्मूला इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल ओके वॉट डू मीन बाई इक्विलेटरल ट्राइंगल. वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो फॉर्मूला ऑफ एरिया इज रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर क्लियर. थर्ड फॉर्मूला इज एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल स्केलिन ट्राइंगल दैट मीन्स ऑल साइड्स आर डिफर फ्रॉम ईच वन. दैट मीन्स हर साइड क्या होगा अलग अलग होगा. ये अगर 3 है तो ये 4 है तो ये 5 होगा. कोई भी साइड किसी से इक्वल नहीं होगा. तो ये होता है एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल. इसका फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर एस एस माइनस फर्स्ट साइड दैट मीन्स ए एस माइनस सेकेंड साइड यानी बी एस माइनस थर्ड साइड. ओके एंड हाउ वी कैलकुलेट एस एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू. तो ऐसे आपको एस मिल जाएगा फिर एस के साथ माइनस करके रूट में चढ़ाएगा तो इक्विलेटरल स्केलिन ट्राइंगल का एरिया आपको निकल जाएगा. फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिएगा. 4 एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. हमको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4b रूट ओवर 4a² माइनस बी स्क्वायर. क्लियर तो ये लिख लीजिए. ओके तो इस एक्सरसाइज के पहले सम्स के ऊपर ध्यान देते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विद द हाइपोटेनस 26 सेंटीमीटर एंड द साइड्स ऑफ द लेंथ एनी वन इज 24 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ डायग्राम. दिस इज योर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग पाइथागोरस में पढ़े थे कि 90 का अपोजिट जो होता है क्या था हाइपोटेनस होता था. हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर और कोई भी एक साइड पकड़ लीजिए इसको कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर. तो हमको एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाइट तो मेरे पास है बेस नहीं है तो जब तक बेस नहीं निकलेगा हम इसका आंसर नहीं कैलकुलेट कर सकते. तो पहले हम लोग बेस निकालेंगे. बेस निकालने के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम लगेगा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से लोग बेस कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद फिर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में उसको पुट करके आंसर फाइंड आउट करेंगे. ओके तो हम लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेनस में कितना दिया हुआ है 26 स्क्वायर. ये कितना दिया हुआ आपका 24 स्क्वायर. बेस में बी लिख देते हैं 5 ये हो जाता है आपका 676 और 24 का हो जाएगा आपका 576 प्लस बी स्क्वायर. तो ये यहाँ आएगा तो 676 से 576 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 100 इक्वल्स टू बी स्क्वायर. तो बी से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा दैट मीन्स बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर. यानी आपका बी ये पता चल जाएगा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. क्लियर हम लोग एरिया का फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ की जगह हाफ बेस की जगह 10 और हाइट की जगह 24 तो इससे कटा 12 दैट मीन्स 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. समझ में आया नोट कीजिए. ओके हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल हमको अच्छे से पता है जिसका हर साइड क्या होता है इक्वल होता है. ओके फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड यानी उसका हर साइड बताइए आप और पेरीमीटर बताइए. तो हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसका हर साइड इक्वल होता है क्लियर. तो हम लोग उसका एरिया का फॉर्मूला जानते हैं. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर. तो आपका एरिया कितना दिया क्वेश्चन में 16√3 और यहाँ कितना हो गया रूट 3/4 साइड स्क्वायर.
तो ये रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल हो गया और ये 4 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाए, दैट मीन 16 इंटू 4 इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, दैट मीन साइड इक्वल्स टू रूट अंडर 16 इंटू 4। तो 16 का क्या होता है 4 होता है, रूट 2 का, रूट 4 का क्या होता है 2 होता है स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हमको साइड पता चल गया 8 सेंटीमीटर, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, ये भी 8 है। आपको निकालने क्या बोला जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सिर्फ डायरेक्ट लीजिएगा सम ऑफ ऑल साइड, क्योंकि सभी साइड को जोड़ देने से ही पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्लियरली आपको लिखा हुआ है द बेस एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, यानी जो भी ट्राइंगल है, ये रहा ट्राइंगल, उसका बेस और हाइट रेशियो में दिया हुआ है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इतना दिया हुआ है तो आपको बेस और हाइट बताना है। तो सबसे पहले लेट बेस एंड हाइट बी 4 और 7 बोला गया, तुम लोग इसको 4x एंड 7x पकड़ सकते हैं, 7x रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमको क्या पता चलेगा कि बेस कितना है 4x है और हाइट कितना है 7x है। तो हमको एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमको फॉर्मूला पता है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 126, इसके जगह हाफ, बेस के जगह 4x और हाइट के जगह 7x, ठीक है ना। तो इसको 2 से 2 कट कर दिए तो ये हो गया 126 इक्वल्स टू 14x स्क्वायर। अब ये 14 है डिवाइड में चलेगा, यानी 126 बाई 14 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको कट करेंगे तो 2 से 7 आएगा और ये 2 से आ जाएगा आपका 63 और ये 7 से आ जाएगा 9, यानी एक्स स्क्वायर आ गया 9। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9, यानी कितना हो गया 3 हो गया, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3। तो हमने जो बेस पकड़ा हुआ था, बेस की जगह हम लोग लिखे हुए थे 4x, वो क्या हो जाएगा 4 × 3 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, और जो हाइट पकड़ा था जिसका था 7x हो जाएगा 7 × 3 इक्वल्स टू 21। तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 21 सेंटीमीटर। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ध्यान से पढ़िएगा, द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। हम लोग किसी को भी 8 पकड़ लेते हैं और इसको 6 पकड़ लेते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, क्योंकि 90 यहाँ बना हुआ है, हमको दिखाई दे रहा है, तो 90 का ऑपोजिट में हाइपोटेनस होता है, यानी बी सी निकालना है। उसके बाद आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब ये हाइट आपको निकालना है। तो 3 क्वेश्चन इसमें निकालना है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसका हाइपोटेनस निकालने के लिए कहा गया है। तो हमको पता है इन ट्राइंगल ए बी सी, हम लोगों पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुए थे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है। तो हाइपोटेनस के जगह दैट मीन्स बी सी हमको पता नहीं है, यानी बी सी हम लोग को नहीं पता बी सी स्क्वायर, बट हाइट हम लोग इसको पकड़ लेते हैं 8 स्क्वायर और इसको पकड़ लेते हैं 6 स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर मतलब कितना हो गया 64 और 6 स्क्वायर कितना हो गया 36, यानी बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 100, यानी देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू कितना हो गया रूट 100, यानी हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी ये लाइन कितने का आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। तो पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पोर्शन बोला गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है, 90 बना हुआ, दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया। तो हाफ के जगह हाफ, बेस और हाइट में आप, बेस में अगर आप 6 लिखना चाहते हो 6 लिख दो, हाइट में अगर 8 लिखना चाहते हो 8 लिख दो, क्योंकि इन्हीं दोनों से कोई बेस और हाइट होगा, क्योंकि एक तो हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, बेस और हाइट आपका चेंज होता रहेगा। तो इसको कट के 3, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, ये बेस अगर हाइट पता होता तो कर ही देते। ओके, अब आप देख सकते हैं ये 10 आ गया। तो आपको ये कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, तीनों अलग अलग ट्राइंगल है, ये स्केलिंग ट्राइंगल हो गया, क्योंकि इसका एरिया निकलेगा तब इसका हाइट हम कैलकुलेट पड़ेगा, वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये आपको 8 दिखा, ये 6 दिखा, ये आपको 10 दिख रहा है, दैट मीन स्केलिंग ट्राइंगल हो गया। और स्केलिंग ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़े, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी स्केलिंग ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़े हुए, रूट एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, हम लोग ये पढ़े हुए हैं, क्लियर। तो एस हम लोग कैसे निकालने सीखे, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए कौन है फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और सी कौन है थर्ड साइड। तो हम लोग 8 प्लस 6 प्लस 10 यानी 8 प्लस 6 प्लस 10 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 6 14, 14 और 10 24 बाई 2, तो ये हो जाएगा 12, ऐसा आ गया 12। ओके अब फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग, एस मतलब 12, फिर एस ए, एस माइनस यानी 12 माइनस 8, फिर 12 यानी एस माइनस बी, 12 माइनस बी यानी सेकेंड साइड, फिर 12 माइनस सी यानी थर्ड साइड, क्लियर। इसको हम लोग रूट में सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 6 6 और 12 माइनस 10 यानी 2, क्लियर। तो हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और ये 2 हो गया। तो ये एक सेक्शन, ये दो सेक्शन और दो 2 यहाँ पे, यानी इसके लिए एक 2, इसके लिए एक 2 और इस दोनों 2 के लिए एक 2 और ये 3 और ये 3 के लिए एक 3, क्लियर। इस 2 के लिए ये, इस 2 के लिए ये और इस दोनों 2 के लिए ये और ये दोनों 3 के लिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया चला आया, क्लियर। अब आपको ध्यान दीजिए, एरिया का फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, आप कैसे भी अगर लिखना चाहते हो ए बी सी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो ही जाएगा फॉर्मूला। तो एरिया तो आपको आ चुका हुआ है स्केलिन ट्रायंगल का हेल्प से, आप एरिया निकाल चुके हैं, तो एरिया की जगह 24 लिख देंगे, हाफ की जगह हाफ लिख देंगे, और हम लोग क्योंकि ये इसको हाइट अभी कंसिडर कर रहे हैं तो इसको हम लोग बेस कंसिडर कर रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग इस 90 के हिसाब से इसको हाइपोटेन्यूस देख रहे हैं, वो तो हाइपोटेन्यूस है ही, लेकिन जब ऐसे नॉर्मल अगर ट्रायंगल हम देख पा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे ये रहा इसका हाइट और ये रहा इसका बेस, तो बेस की जगह तो हम 10 लिख देंगे और हाइट जो एडी निकालने के लिए थर्ड क्वेश्चन में ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए कहा गया था उसको एडी लिख के छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका 5, तो 24 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू एडी, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, हो जाएगा 4.8, यानी एडी कितना था 4.8 सेंटीमीटर था, क्लियर, नोट कर लीजिए।